अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज आप सब लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ दुनिया के जिस जिस कोने में आबाद है, सबको कुकिंग विद नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप सब लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोग इस दिन को अकीदत, एहतराम और पूरे जोश खरोश के साथ मनाएँ। तो एक तो ये हो गया कि आप सब लोगों को, हम लोगों ने ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देनी थी, ईद मुबारक नबी की जो सी है मुबारकबाद आप लोगों को दे दी है। तो आप सब लोग का दिन आज बहुत मसरूफ़ होगा, जैसे कि हमारा दिन आज बहुत मसरूफ़ है, बहुत काम है, घर के बहुत काम है। और ख़ास तौर पे मेरे लिए ये कि मैंने एक हफ़्ते से अपना सूट दिया हुआ था, लेकिन मेरा सूट रात को कल सिल कर आया है और जो तैयारियाँ थी वो मेरी मतलब कल ही पूरी हुई हैं। और इस तरह पूरी हुई कि यहाँ पर जी ये आप लोग मेरा सूट देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरा सूट जो कल सिलकर आया है, ये देखें। तो ये हो गया जी सूट, और ये कढ़ाई वाला मतलब पूरा सूट है, और इसके साथ यही रेड कलर का इसका ट्राउज़र है और ये है इसका दुपट्टा। लेकिन जी सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे यहाँ जी आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है और सुबह से जो है वो लाइट हो गई है बंद। ये तब्दीली आई है कि घर में इतने काम हैं और मतलब यूपी है, तब चला यूपीएस भी आखिर कब तक चलेगा, वो भी बंद हो जाएगा। और जी हमारी जो है वो लाइट बंद हो गई है, कोई काम नहीं हो पा रहा, मतलब सारे काम जो है उसका रूटीन ख़राब हो गई है। इवन मतलब मेरा भी मतलब त्याग होना है, मैंने और इतने सारे काम हैं, ख़त्म भी दिलाना है और तो उसका भी ऑर्डर दिया हुआ है, वो भी आना है। तो घर में सो मतलब आया गया मेहमान भी है, तो मैंने कहा चले वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं और अपनी तैयारियाँ भी दिखा देते हैं। तो ये मेरा सूट है ईद मिलादुन्नबी का, ऐसे ही इसके फ्रंट पे, इसके यहाँ पर ये देखिए, इसके गले पर भी कढ़ाई हुई हुई है, ये देख सकते हैं आपको, मतलब ये जो सा पूरा कढ़ाई वाला ही सूट है, ठीक है। और ये इसके साथ इसका जो सा है वो दुपट्टा है, और ये इसके साथ मैंने जो सी वो चूड़ियाँ, रेड मतलब ग्रीन का ऑप्शन भी था लेकिन मैंने रेड, और ये जो दो वॉचेज़ हैं, एक ये है और एक ये वॉच है, ठीक है। इन दोनों से जो सी भी होगी वो मैं मतलब ग्रीन का भी ऑप्शन है, ग्रीन कलर इसके अंदर है, और ये जो सा है वो सेट, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो बिल्कुल मतलब मैच है इसके साथ। तो व्यूअर्स आप लोग बताएं, मतलब सही है, परफेक्ट है इसके साथ, ये जो सी है बिल्कुल मैच है। तो ये मैंने अपने जो सा था लिया हुआ था, ये मेरे पास था, मतलब ये मैंने कोई न्यू परचेज़ नहीं किया, ये मेरे पास पहले मौजूद था। हाँ, तो फिर मेरे ये हो गया कि मैंने इसके लिए परचेज़ करना था कुछ ना कुछ के मैं लूँ, लेकिन तो मेरे पास ये मौजूद थे तो मैंने फिर नहीं लिया। ये हो गया इसके एयर रिंग्स वगैरह, और ये इसका ग्लूगन ये कहते हैं ना इसको, हाँ। तो ये हो गया, ये आप लोग बताएं, मतलब सही है इसके साथ, पसंद है आप लोगों को। अच्छा, तो आप लोगों ने मुझे बताना कि जो उनसे मैंने तैयारी आपके साथ शेयर की है 12 रबी रवल की, आपको कैसी लगती है। ये हो गया, घड़ियां भी मैंने आपको दिखा दी हैं, चूड़ियां भी, और ये जो से दो नेल पेंट है ग्रीन और ये जो रेड है इसके अंदर, क्योंकि दोनों कलर मौजूद है तो मैं यही दोनों कलर का नेल पेंट लगाऊँगी। अभी मैंने नेल पेंट नहीं लगाया, जो पहला उसको रिमूव कर लिया। और यहाँ पर ये जो सा मेरा जूता, ये भी रेड ही है क्योंकि सूट रेड है, तो जूता भी मैंने फिर रेड ही इसके साथ जो सा है वो लिया। तो ये मेरी तैयारी है, तो अब बाकी दिखाते हैं आपको कि किस तरह हम लोगों ने आज बाकी दिन स्पेंड करना है। बहुत माशाल्लाह खुशियों का दिन है, अलग अलग सबको ये दिन मनाने की तौफीक दे और जो जलते हैं वो जलते रहें। वंस अगेन आप सब लोग को 12 रबी उल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद और जश्न ईद मिलादुन्नबी सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सरकार की आमद मरहबा। तो बाकी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी आज की जो से हमारे 12 रबी उल अव्वल की रूटीन है उसको हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो हम लोगों ने मतलब ख़त्म के लिए बिरयानी का देश का ऑर्डर किया था वो आ गया है, और जैसा कि आज की हम रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अब इसको हम लोग करते हैं बिरयानी को डिस्ट्रीब्यूट, और फिर बाकी भी जो से हमारी आज की रूटीन होगी रबी उल अव्वल के हवाले से वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वाइट राइस भी है इसके अंदर और जो से कलर वाले भी हैं, तो उनको मिक्स करके अच्छे से ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जो से हम लोगों ने न्याज सीम कर दी है, और अब बाकी क्योंकि शाम हो गई है तो बाकी रूटीन बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, मतलब पहाड़ियाँ वगैरह देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इस साल देखेंगे क्या सूरत हाल है, मतलब कोरोना की वजह से तैयार किया लोगों ने, डेकोरेशन वगैरह किए या नहीं की, तो वो भी हम आपको दिखाएँगे। ये तो फिर
पर जैसा कि आप लोगों को कहा था कि आज के हम पूरी डिटेल अपनी शेयर करेंगे रिव्यूएबल की, तो यहाँ पर जो सी गलियाँ सजती हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी, मतलब इस साल इतनी ज़्यादा कोई डेकोरेशन नहीं हुई, इतने ज़्यादा बाजार नहीं सजे, इतनी ज़्यादा चहलकदमी नहीं है, मतलब जिस तरह हर साल होती है, अब शायद कोरोना, लेकिन कोरोना के भी अब कोई सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मतलब नहीं हुआ इस दफ़ा ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ लेने वालों का रश लगा हुआ है, हर कोई छोटा बड़ा मतलब समझदार जो भी है ना, जो कोई चीज़ देखता है कि मिल रही है तो वो दीवाना हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे कितने मतलब टोपियों वाले अच्छे खासे जो लोग या मतलब कई क्या पंजाबी सियाने भी आने सारे ऐसे पागल हुए हैं, चीज़ में निकले बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब लेने के लिए बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। मतलब हम लोगों ने भी जब बांटे और हम लोगों ने भी पैसे भी जब हम लोगों ने तकसीम किया तो हमारा भी यही हाल था, टूट पड़े थे बच्चे हम। और अब ये मतलब थोड़ी बहुत डेकोरेशन की हुई है, हम लोगों ने मतलब ख़त्म भी दिलाया, पैसे भी बांटे और मम्मा की तबीयत भी सुबह से नहीं ठीक थी और बस उस चीज़ की जो टेंशन हुई है। छोटी सी पहाड़ी बनाई हुई छोटे से खिलौनों की, वो खाना का बगा मोड़ रखा हुआ, मतलब यहाँ पर पहाड़ियाँ लोग लगाते हैं लेकिन वो भी नहीं लगाई हुई, सिर्फ छोटी सी थोड़ी सी मुझे नजर खिलौने वगैरह रख कर, मेरे पास भी बहुत खिलौने हैं पर मैंने कभी बनाई नहीं है पहाड़ी वगैरह। ये भी देखिए जी, ये ढोल वाला, इसको ढोल को पैसे दिए हैं, ये ढोल बजा रहा है, उसकी वीडियो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये बच्चों को पैसे दिए सारा मतलब किया, तो मम्मा की तबीयत भी थोड़ी सी वजह से ज़रा हो रही है परेशानी, तो सही तरह से इंजॉय भी नहीं कर पा रहे, तो पता नहीं अब मम्मा को मतलब स्टमक इशू हुआ हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मतलब चीज़ें कोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह और आगे भी मतलब जो से जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, लोगों ने लगाए हुए हैं, यहाँ पर भी खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चा पार्टी पहले इकट्ठी हुई हुई है अपनी बुकिंग करवाने की, क्योंकि जब ये मतलब बांटना शुरू करेंगे तो एक क़यामत का मंजर होगा यहाँ पर, इसीलिए आज हम आपको वीडियो शेयर करें कि वो लोग जो से बैरून मुल्क में हैं इस चीज़ों को देख के वो मतलब ज़रा इंजॉय करें। यहाँ पर देखिए ज़रा क़यामत का मंजर हुआ, दुनिया किस तरह पागल हुई है और किस तरह निकली हुई है, यहाँ पर ये देखें सारा क़यामत का मंजर। और जैसे कोई क्या मैं कहूँ आपको कि क्या आप लोग मतलब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक माहौल भी इससे अच्छी खासे लोग बड़े जवान सारे बच्चे सारे मिलके लगे हुए चीज़ें वगैरह लेने के लिए, यही सूरत हाल हर जगह हुई हुई है, तो मतलब मज़ा भी आता है हम लोगों को, कुछ लोग जलते भी हैं हमारे इस त्यौहार से जलते हैं, हम लोग तो ये मनाते रहेंगे। तो अब बाकी रूटीन हम आपके साथ मतलब नहीं शेयर कर पा रहे, आगे भी मतलब बहुत कुछ दिखाना था आप लोगों को, लेकिन अब मम्मा से तबीयत नहीं ठीक तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए, और फिर बाकी हम जो सा है आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये बस उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए, पसंद है हमें अपनी फीडबैक दें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और मम्मा के सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।